बुढ़े हो बुढ़े पागल हो गया। बेटर ऑप्शन मैं लगन लगी कि यार मैं अपने आप नूं खत्म ही कर ला। अपने आप नाल नफरत हो गई। जो साडे पर्पस है लाइफ का वह पहले रिवील हो जाए। जे तुसी कहंदे हो फुकरा है, मैनू फुकरा बन के ही बहुत मजा आया। जस्ट बिकॉज के मेरे वाल चिट्टे हो गए, दाढ़ी चिट्टी हो गई, मेरा दिल और खून हाली चिट्टा नहीं होया। ओदे च ओडा ही जोश है, ओयो ही सपने है जड़े बाकी सब लोगां दे होंदे है। सारी सारी रात एदे कोल बैठी रहंदी सी, पाठ करदी होई, माला फेरदी कि भई मेरे बेटे नूं ठीक कर दो किसे तरह। सोसाइटी ते कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। जिथे तुहाडे अपने बच्चे ने ना, सोसाइटी दी बिलकुल परवाह ना करो। लोकी तकरीबन 50-55 फिर आंदे आंदे 60 साल दी उम्र तक जो है अपनी रिटायरमेंट प्लान कर लेंदे ने। जिन्ना काम करना सी कर ले, जिन्ने सुपने पूरे कर सकदे सी कर ले, बाकी चलो कोई नहीं। पर कुछ एहो जिहे लोकी भी ने जो कि अपनी जो जिंदगी है उसकी असल शुरुआत इस उम्र जाके करदे ने। उन्हां दे जो सुपने ने ओ इस उम्र च आके उडारी भरदे ने। ते इस वक्त मेरे नाल मौजूद ने दिनेश मोहन। तुसी एक सक्सेसफुल मॉडल हो 63 साल दी उम्र विच। ए जो दिनेश है जो कि मुस्कुरा रहा है, जिस दी अखां विच एक चमक है, इस दा जो बचपन सी ओ किद्दां दा रहा? बचपन मेरा बहुत नॉर्मल, बहुत ही एक अच्छे हैप्पी होम दे विच। मेरे पेरेंट्स दोनों जड़े हैं वो मिडिल क्लास वर्किंग पेरेंट्स सी। मेरे फादर भी टीचर सी कॉलेज, मेरे मदर भी टीचर सी, दोनों इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते सी। एंड वी हैड अ फुल हाउस। तो फिर संघर्ष एक्चुअली किथे आया? मैं थोड़ा जा डिफरेंट सी बाकी लोगों तो। आई वॉज अ लिटल इंट्रोवर्टिश, नो जड़े अपनी दुनिया इच रहंदे हैं। मेरे कोई ज्यादा दोस्त नहीं होंदे सी और ज्यादा मैं गेम्स वगैरह इच नहीं हैगा सी, पढ़ाई विच ज्यादा लग्या रहा। एंड मैनू पता सी कि मैं अगर सोसाइटी जदों बाहर जावांगा तो मैं ज्यादा पॉपुलर नहीं होने वाला। मैं कदी रिएक्ट नहीं किया लोग मेरे बारे जो भी बोल रहे सी। मैं डिफरेंट बहुत सी, पर्सनैलिटी पहले भी बहुत डिफरेंट सी। कपड़े बहुत हट के पाँदा सी, देखने थोड़ा डिफरेंट सी बाकी लोगों तो। तो गल्लां बनदियां रहिंदियां सी और मैं कदी उन्हां नूं कट्टन दी उन्हां गल्लां नूं कोशिश नहीं की। सो दैट थिंग यू नो वेंट आउट बिल्डिंग अप। मेरे माइंड ते प्रेशर बनता गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एंड मैनू महसूस होने लग गया कि या तो मैं मिसफिट हैगा या दूसरियां दी थिंकिंग रोंग है मेरे बारे च। और वह चीज़ा बदिया बदिया ऐडा हो गया कि यू नो आई स्टार्टेड स्लिपिंग इन टू डीप डिप्रैशन। कुछ सरकमस्टांसिस नैगेटिव होंदे गए होर पर्सनल, जो ज़्यादा मैं डिटेल च नहीं जाना चाहवाँगा। थोड़े वो सैटबैक्स ऐसे लगे कि आई फाउंड कि मैं बिल्कुल मतलब एक चौरस्ते दे उपर आके खड़ा हो गया और कुछ भी नहीं है मेरे को और हुण मैं अगे करांगा की। और वो फेज फिर बड़ा लंबा चलिया, बहुत मेरे ते असर होने लग गया। वेट मेरा बहुत वध गया क्योंकि मैं खांदा बहुत सी और हर चीज सारी फ्रस्ट्रेशन मैं खान पीन दे उपर ही कढ़दा सी। 130, 125, 135 उत्थों तक वेट मेरा पहुँच गया। अल्टीमेटली एक ऐसा मतलब दिन आया जदों मैं बैड तो उठ ही नहीं सकिया। सो दैट वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, 10-12 साल। एंड दी स्ट्रगल मेरी लाइफ विच बड़ी गंदे वाली चली। अच्छा दिनेश, तुसी कहा कि डिप्रेशन दी वजह नाल तुसी काफी सफर किता ते काफी सारे काउंसलिंग प्रोफेशनल्स हुंदे ने, ट्रीटमेंट हुंदे ने, मेडिकेशन हुंदी है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਟਲੀਸਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਉਰ ਹੋਵੇ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਟਰੀ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਆਇਰਨੀ ਆਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਸਟ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੜੋਸੀ ਪੜੋਸੀ। ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਠਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰ। ਬਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਸਾਈਡਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਐਡੀ ਸਫਰਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਰੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਯੰਗ, ऐसी कोई उम्र नहीं मेरी हुई सी के। और दूसरे लोगों नु देखता सी ते बहुत फ्रस्ट्रेशन होंदी सी यार, सब हस खेल रहे हैं। तुसी गल कीती कि किमें सफरिंग हुई ते किमें तुसी सुसाइडल हो गए, ते
फिर ऐसा क्यों चमत्कार हो गया कि जो आज के टाइम विच जो प्रेजेंट दिनेश है एक सक्सेसफुल मॉडल है एक्टर है ते इवन लोकां नूं भी इंस्पायर करदा है, एक में होया? मैं साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट ते लै ही रहा सी और मेरी इमीजिएट जड़े फैमिली सी उस वेले मेरे नाल मेरी सिस्टर ब्रदर इन लॉ वह मैनू बहुत समझाते सी बहुत सपोर्ट करते सी और उन्होंने एफर्ट चलता रहता सी कि मैं अपने लिए कुछ करा एटलीस्ट मतलब यह उम्मीद तो किसी नूं भी नहीं सी कि मैं दोबारा मैनू खुद ही नहीं सी कि मैं सोसायटी का दोबारा हिस्सा बनागा बट एडा जरूर सब ने सोचा सी कि बैड तो हट जाए चलन फिरन लग जाए नॉर्मल एक्टिविटीज़ करन लग जाए ओडा ही एम सी डाइट बहुत स्ट्रिक्टली मैं की मतलब एडी स्ट्रिक्टली जिन्हों कहते हैं डू और डाई एंड लकीली विद इन 10 months मेरा अराउंड 40-45 केजीज वेट जो है वो बड़ी अद्भुत गल लगती है लोगों को बाद जिम ज्वाइन किया स्विमिंग स्टार्ट की फिजियोथेरेपी बड़ी एग्रेसिवली मैं की कि मैं दोबारा चल सकता घूमना फिरना बहुत स्टार्ट किया शॉपिंग बहुत पागलों की तरह स्टार्ट की जो एडे साल मिस किया मैं अपनी जिंदगी एवरीबडी सेज तुहाडे च एनर्जी कित्थों आई एवरीबडी फॉरगेट्स कि मैं ऑलमोस्ट एक कोमा च सी 12 साल सो मैं इंटरनलाइज करना बंद कर दिता जे तुसीं कहिंदे हो यह फुकरा मैं फुकरा बन के ही बहुत मजा आया उस वेले कि ठीक है मैं कपड़े खरीदने हैं पिक्चर देखनी है शॉपिंग करना है घूमन जाना है करना है मैं क्यों ना करा यह सारिया चीजा बनिया हुई करन वास्ते सो एक 1.5 साल मैं फिर इंज अपने अपना ध्यान रखते हुए अपनी नॉलेज रीगेन करते हुए दुनिया के बारे च फ्रेंड्स बनाते हुए I made a lot of friends during that time, you know, gym mein, bahar, har tarah de relations mein, us vele enjoy karan di koshish kiti. Then this modeling acting happened. Ki eh koi purana, koi ik tuhada, koi desire si, jo suppress si ki, tusi socha ki chalo hun model bhi ban janne ha, ya samne koi opportunity hai, ye modeling ki main start kiti tusi? Main jis physiotherapist de kol janda si, apni help paste, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਏਜ ਮਾਡਲ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਸਟੇਅਰਸ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਐਂਡ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ 56-57 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇ ਬੀ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸੋਰੀ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਪਸ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਬਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਨਾਓ